Good morning to all. How are you? You all are looking very energetic. Yes? Very good. But you have to take precaution, okay? About corona and with the cold weather also. You have to drink hot water. इससे आपको ठंडी नहीं लगेगी, okay? And you have to drink 2 glasses of milk daily. Hot milk also you have to drink, okay? So I am here with the Hindi class. But today I am here with my friend Chiku. And me and Chiku will tell you a new story. And come for the fun, okay? So our today's story is our story is Lomdi and Angoor. बहुत पहले की बात है, एक बार एक जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसको खाना खाने का बहुत शौक था। वो अच्छे-अच्छे खाना खाने की बहुत शौकीन थी। वो जहाँ कहीं भी देखती अच्छा खाना बना है, वो अपनी चालाकी से उस खाने को ले लेती और खा जाती। पर एक दिन जंगल में वह घूमने लगी। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो जंगल में इधर से उधर घूमती रही। सारा दिन घूमने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो परेशान हो गई कि आज तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसको बहुत भूख लग रही थी। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा आगे जाके देखूं, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। वो थोड़ा सा आगे गई और जंगल में घूमते घूमते अचानक लोमड़ी की नजर अंगूरों पे पड़ी। लोमड़ी बोली, अरे वाह, इतने टेस्टी और मीठे मीठे अंगूर, ये तो बहुत ही रसीले हैं। इन अंगूरों को तो मैं ही खाऊंगी, मुझे तो ये खाने हैं। इनको तो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो ये अंगूर चाहिए। फिर लोमड़ी जोर जोर से उछल कूद करने लगी, पर उसे अंगूर नहीं मिले क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचाई पे थे और लोमड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। लोमड़ी बहुत उछली, बहुत कूदी, पर उसे अंगूर नहीं मिले। फिर लोमड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ गई। वो परेशान होकर बैठ गई, पर उसने सोचा, क्यों ना मैं एक बार और अंगूर लेके देखूं, इतने मीठे और रसीले अंगूरों को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। लोमड़ी फिर दोबारा उछलने लगी और अंगूर लेने लगी, पर उसको अंगूर नहीं मिले। लोमड़ी उदास हो गई। फिर लोमड़ी ने सोचा, अंगूर तो बहुत ऊंचे हैं, मैं तो वहां तक जा ही नहीं पा रही हूँ। बेचारी लोमड़ी भूखी ही रह गई और फिर वो वहां से चली गई। जाते जाते उसने कहा, मुझे नहीं खाने ही अंगूर, ये अंगूर तो बहुत ही खट्टे हैं। ये बोलकर लोमड़ी वहां से चली गई। तो बच्चों, आपने पूरी कहानी सुनी ना? चीकू ने भी सुनी। पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। आप इस स्टोरी की एक वीडियो बनाएंगे और मैम को सेंड करेंगे। ओके किड्स, बाय बाय।